नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोलकर आप हर महीने 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की इनकम कमा सकते हैं। और CSC खोलने पर आप कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, मतलब मैं तो कहूंगा ये ऑल इन वन सर्विस वाली एक चीज है। आइए मैं इसके बारे में आपको और बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, CSC सर्विस सेंटर इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ कोई आपसे धोखाधड़ी या किया जा सके। CSC डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, मतलब पूरी तरह सरकारी है। तो हर कोई दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बैंक हैं, NBFCs हैं या दूसरी फसल बीमा वगैरह, सारी सरकारी योजनाएं आपको CSC पर मिलती है। CSC पे और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि जितने भी जो बैंक हैं, बड़े बैंक SBI, HDFC, ये सब क्या कर रहे हैं, CSC पर अपनी BC लेके आ रहे हैं। मतलब अगर आपके पास CSC की ID है आपकी, तो आप BC या CSP पॉइंट SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, HDFC बैंक का और जितने भी बैंक हैं उन सब का आप ले सकते हैं। मैं कहूँगा CSC ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, मतलब आप अपने कस्टमरों को हर तरह की सर्विसेज यहाँ पर मुहैया करा सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस तरह की सर्विसेज आपको मुहैया करा पाओगे। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर को लेता हूँ। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लगभग सभी चीज़ों की सर्विसेज दे सकते हैं। फसल बीमा की सर्विसेज आशीष आप दे सकते हैं, KCC आप अप्लाई कर सकते हैं, किसान के जितने भी जो ई ग्राम पंचायत या ई नाम, जितनी भी जो मंडियां हैं उन सबको जो कनेक्ट किया जाता है, वो सारी फैसिलिटीज आप अपने CSC प्लेटफॉर्म पर किसान भाइयों को दे सकते हो। हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप तब सर्विसेज में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर देखेगा। तब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर में आपको ये देख सकते हैं जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे अमूल रिटेल आउटलेट है, एपको क्रॉप हेल्थ केयर है, किसान ई स्टोर है, एपको बाज़ार है, किसान ई मार्ट है। आप इन सब फैसिलिटीज़ का लाभ ले सकते हो। जैसे कि आप अगर यदि अमूल के इस पर क्लिक करते हैं तो अमूल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाती हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, एग्रीकल्चर कंसल्टेशन थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि आप किसान भाइयों को किसी भी तरह की सर्विसेज मुहैया करा सकते हो एग्रीकल्चर के सेक्शन में जाकर। अब बात आती है बैंकिंग की। बैंकिंग में मैंने पहले कहा था कि सारी जितनी भी बड़ी बैंक है उन सबका BC पॉइंट या CSP पॉइंट आप CSC के माध्यम से ले सकते हो, मतलब यानी कि इलाहाबाद बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक, SBI, HDFC, ICICI, सभी बैंकों की BC अगर आपके पास CSC ID है तो आपको ईजिली मिल जाएगी। अब बात आती है बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग का आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे लगभग हर मेजर बैंक की आप CSP, BSE प्रोवाइड कर सकते हो। इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक मित्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, लगभग हर बैंक की CSP आप इसके माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो। इनिशियली आप CSC पे रजिस्टर करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर उस बैंक की BC आप अवेल कर लेंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है जो आती है, श्रम योजना, PM सम्मान निधि या जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है, उसका रजिस्ट्रेशन आप अपनी CSC वैली के माध्यम से कर सकते हो। यानी कि आप किसी भी कस्टमर को किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के में रजिस्टर कर सकते हो। अब बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स की। ऊपर गवर्नमेंट पे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग सभी गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ जो भी चलती हैं उनके यहाँ पर, वो सारी स्कीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम में आप इनरोलमेंट करा सकते हैं, बिहार लेबर में करवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप, बोर्ड ऑफ यानी कि किसी के अगर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बोर्ड में तैयारी कर, बोर्ड की कुछ फीस वगैरह करनी है तो वो आप करवा सकते हैं, चार धाम यात्रा, अनेकों सर्विस है, DBT फार्मर रजिस्ट्रेशन बिहार,
डिजी लॉकर, यानी कि लगभग और ये सर्विसेज ऐड अप होती जा रही है हर दिन। ये देखिए प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भी आप भर सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल कॉरपोरेशन सेंटर से रिलेटेड सारी सर्विसेज आप यहाँ पर मुहैया करा सकते हैं। आप अपने CSC से इंश्योरेंस से प्रोवाइड कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की प्रीमियम भी आप पे आउट कर सकते हो किसी भी कस्टमर की, उसका आपको कमीशन मिलेगा। यानी कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करके अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। अब बात आती है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में आप ये देखिए, आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं और उसका पेमेंट करवा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रीमियम पेमेंट करवा सकते हैं, श्री राम लाइफ, एक्साइट लाइफ, फ्यूचर जर्नली, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ। आपको बस यहाँ पॉलिसी नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आप उसका पेमेंट करवा पाएंगे बड़ा आसान तरीके से। यहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस बेच पाएंगे किसी को भी, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी आप लोगों को बेच सकते हैं, HDFC और बड़े बड़े मेजर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले हैं यहाँ पर। मोटर इंश्योरेंस भी आप यहाँ कर सकते हैं। अब बात आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आप कर सकते हो। जितने भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, जोधपुर, जयपुर या ऑल इंडिया के लगभग मेजर हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल का पेमेंट आप अपने CSC के माध्यम से कर सकते हो। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, जैसा कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट आप करवा सकते हैं किसी का भी। आप इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ बिल पेमेंट पे जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी जो बोर्ड हैं, बिजली बोर्ड, उन सब का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको जैसे मान के चलिए किसी का भी पेमेंट करना है, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेमेंट करना है, या अकाउंट नंबर डालेंगे या कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, तो बिल की डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी और फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। कोटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लगभग हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी, नोएडा पावर, आपको सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। फास्टैग का आप रिचार्ज भी कर सकते हो, फास्टैग आप नया भी इशू करवा सकते हो कस्टमरों को। अब बात आती है फास्टैग की, फास्टैग का रिचार्ज भी आप किसी भी कस्टमर का यहाँ पर कर सकते हैं। फास्टैग के रिचार्ज करने के लिए आप फास्टैग रिचार्ज की बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए जितने भी बैंक है, HDFC बैंक, इंडस बैंक, कोटक बैंक, जिन्होंने भी जिस भी कंपनी का फास्टैग इशू किया गया है, वहाँ पर आप व्हीकल नंबर डालें, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालें और फिर आप अपने हिसाब से जितना भी कस्टमर चाहता है उतना पेमेंट आप कर सकते हैं। हर तरह का बिल पेमेंट आप रिचार्ज कर सकते हो, आप किसी भी मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, किसी भी पोस्टपेड को का बिल पेमेंट कर सकते हो और भी जितनी भी जो टेलीकॉम सर्विसेज है वो सब आप प्रोवाइड कर सकते हो CSC वैली के माध्यम से। अब बात आती है टेलीकॉम की, टेलीकॉम में मैंने जैसा कहा था आप मोबाइल का प्री पेमेंट में प्रीपेड रिचार्ज भी करवा सकते हैं, ये देखिए सारी कंपनियां हैं। मोबाइल का पोस्टपेड भी आप रिचार्ज करा सकते हैं, ये सारी कंपनियां हैं, जिन जिन के हैं वहाँ पर मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम और अमाउंट डालना है। यहाँ पर आप ब्रॉडबैंड का पेमेंट भी करा सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में काफ़ी कंपनियाँ ब्रॉडबैंड देती है, एयरटेल, कप्पा, नेक्स्ट्रा, स्पेक्ट्रा, तो आप उन सब का पेमेंट यहाँ पर ईजिली करा सकते हैं। लैंडलाइन पोस्टपेड का भी बिल आप कर पेमेंट करा सकते हैं, BSNL का हो गया चाहे एयरटेल का हो गया, आप इसका पेमेंट आसानी से यहाँ पर करा सकते हैं। आप इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, आप GST रिटर्न भर सकते हो, इंडिविजुअल का इनकम टैक्स ITR भर सकते हो, GST आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, पैन कार्ड इश्यू करवा सकते हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड कर पाओगे। आप टैक्स से रिलेटेड सुविधाएं भी लोगों को दे सकते हैं, ऊपर आप ये टैक्स का देख सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पर GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं, IT नोटिस का कंप्लाइंस करा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर आप GST, TDS रिटर्न, DSC, LLP का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन है कि आप किसी भी तरह की टैक्स की सुविधा का यहाँ पर लाभ कस्टमरों को दे सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको आपके इस वाले पॉइंट पर ले जाएगा और यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमरों को आसानी से। आप DTH का पेमेंट कर सकते हो, चाहे किसी भी DTH हो, एयरटेल का हो, वीडियोकॉन का हो, किसी का भी हो, आप उसका पेमेंट कर सकते हो CSG वैली के माध्यम से। अब बात करते हैं DTH रिचार्ज की, DTH रिचार्ज में आप किसी भी कंपनी का DTH रिचार्ज करवा सकते हैं।
आप यहाँ पर डीटीएच रिचार्ज पे जाइए, अपने यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर आईडी, उसका मोबाइल नंबर और अमाउंट आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक सुविधा और है, आप डीटीएच का नया कनेक्शन भी दे सकते हैं। अभी इसमें डिश टीवी का आप करवा सकते हैं, बाकी अब धीरे धीरे इसमें सारी सर्विसेज आ जाएंगी। आप ऑनलाइन फार्मेसी का स्टोर भी अपने सीएससी पर चला सकते हो, किसी का भी ऑर्डर करवा सकते हो। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो आजकल ऑनलाइन फार्मेसी दे रही है, उन सब पे आप कस्टमरों का परचेज कर सकते हो सीएससी के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन फार्मेसी से किस तरीके से लोगों की दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप ऊपर हेल्थ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन फार्मेसी खोल रखी है, वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगी। जैसे कि 1MG हेल्थ सर्विसेज, एलोपैथी, 3 नेत्रा। यहाँ पर आप हेल्थ क्रेडिट हेल्थ का हेल्थ अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं किसी डॉक्टर से, डॉक्टर ऑनलाइन, यानी कि आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, मेडिसिंस भी मंगा सकते हैं, और भी भविष्य में जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज शुरू होंगी वो सब आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन गैस पेमेंट का भुगतान कर सकते हो, गैस पाइपलाइन भी है आपके यहाँ तो भी उसका पेमेंट आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हो, बाकी जो गैस सिलेंडर बुकिंग है वो आप कर सकते हो इजीली सीएससी के माध्यम से। अब बात करते हैं गैस की। मैंने जैसा कहा था कि आप किसी भी एलपीजी का पेमेंट करवा सकते हैं इंडेन, भारत, पीएनजी का भी पेमेंट आप करवा सकते हैं अगर आदि आपके यहाँ पर पाइपलाइन है तो। आप यहाँ पर और भी सर्विसेज शुरू होंगी सीएनजी वगैरह की, वो भी आप करवा सकते हैं यहाँ पर। एलपीजी का जैसे मुझे इंडियन गैस का अगर वो करवानी है बुकिंग, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर कोड, कंज्यूमर आईडी, ये सब डाल के मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूँगा इजीली, तो उस व्यक्ति का गैस बुकिंग हो जाएगा और मैं अच्छा खासा कमीशन कमा पाऊँगा। आप पेंशन से रिलेटेड सारी सुविधाएं दे सकते हो। अभी हाल फिलहाल आप अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में लोगों का इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। अब बात आती है पेंशन की, तो पेंशन में आप देख सकते हैं आप अटल पेंशन योजना भी यहां पर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, सम्बलम कंट्रीब्यूशन भी आप करा सकते हैं। जैसे आप अटल पेंशन योजना पर क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको अटल पेंशन योजना की वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। अब ये देखिए नेशनल पेंशन स्कीम पर यहाँ पर मुझे सिस्टम ले जा चुका है। अब मैं यहाँ पर कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, एडिशनल कंट्रीब्यूशन करा सकता हूँ या पेंशन कैलकुलेट करवा सकता हूँ। आप वाटर पेमेंट यानी कि आपका पानी का बिल भी आप सीएससी के माध्यम से पेमेंट करवा सकते हो, चाहे आपका इंडिया में किसी कहीं पर भी आप रहते हो, अगर आपके पास पानी का बिल आता है तो आप 100% सीएससी के माध्यम से पेमेंट करवा पाओगे। अब बात आती है आपके पानी के बिल की, तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का पानी का बिल पेमेंट कर सकते हो। पहले आप वाटर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर वाटर बिल पेमेंट पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं जो जो कंपनियाँ पानी की सप्लाई करती हैं आप उन सब कंपनियों का यहाँ पर पेमेंट करा सकते हो। पंजाब, पुणे, दिल्ली, लगभग हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पेमेंट आप यहां पर करा सकते हो। यहां पर काटने के बाद आपको कंप्यूटर कोड और कंप्यूटर मोबाइल नंबर जो डिटेल्स हैं वो फीड करनी है ताकि आपका बिल का डिटेल्स फेच हो जाए। आप ट्रैवल बुकिंग करा सकते हो, आप होटल बुकिंग करा सकते हो, एरोप्लेन बुकिंग करा सकते हो, टैक्सी बुकिंग करवा सकते हो, यानी कि आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी भी सुविधा का लाभ दे सकते हो अपने कस्टमरों को। अब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। जैसा कि मैंने कहा था आप यहाँ पर हर तरह की बस की बुकिंग करा सकते हो, फ्लाइट बुकिंग करा सकते हो, IRCTC में रेलवे की बुकिंग करा सकते हो, यानी कि इस तरह की सुविधाएं आप दे सकते हो। यहाँ पर आप होटल की बुकिंग भी करा सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर कोई फैसिलिटी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये धीरे धीरे ये सारी फैसिलिटीज शुरू होना शुरू हो जाएंगी, तो इसमें भविष्य में काफ़ी सारी कंपनियों के साथ सीएससी का कोलैबोरेशन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर ही उनको होटल पैकेज भी प्रोवाइड कर पाओगे। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई लोन चल रहा है तो आप उसका लोन की ईएमआई अपने सीएससी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी एनबीएफसी, बैंक, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक का लोन हो।
अब हम बात करते हैं लोन की। अगर आप किसी भी व्यक्ति का लोन का ईएमआई पेमेंट करना चाहते हैं तो लोन पर क्लिक कर आप लोन पेमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लगभग सभी बैंक और एनबीएफसीज का नाम यहाँ पर आ गया है। आप किसी का भी लोन पेमेंट यहाँ करवा सकते हैं। जैसे अगर आपका किसी का बजाज ऑटो फाइनेंस का लोन पेमेंट करवाना है, कस्टमर आईडी यहाँ डालनी है, कस्टमर नंबर यहाँ डालना है, तो आपके सामने उसकी डिटेल्स फैच हो जाएंगी और फिर आप उसका पेमेंट करवा सकते हो। अगर यदि आपको स्पेसिफिक किसी बड़ी कंपनी का है, जैसे ये लोन एचडीएफसी की भी सारी लोन की सुविधाएं यहाँ पर है, टीवीएस लोन की, महिंद्रा लोन की, तो इस तरीके से आप लोन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब मान के चलिए अगर यदि किसी कस्टमर को लोन के लिए अप्लाई करना है, एचडीएफसी में अप्लाई करना है, तो आप लोन की फैसिलिटी पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जितने भी लोन के प्रोडक्ट्स हैं वो सब आप यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पर उसकी लीड डाल दोगे, यहाँ उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने होम लोन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ कस्टमर के लिए होम लोन अप्लाई कर पाऊँगा। स्किल्स मतलब यानी कि अगर यदि कोई व्यक्ति है जो अपनी स्किल्स डेवलप करना चाह रहा है तो आप ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन उस कोर्स के लिए करवा सकते हो सीएससी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको इनरोल करके कोई भी व्यक्ति अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता है और अपने आप को रोजगार के क्षेत्र में ला सकता है। अब मैं आपको स्किल्स के बारे में बताता हूँ। मान के चलिए काफ़ी सारे लोग अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको स्किल डेवलप करने का मौका देती हैं ऑनलाइन, तो आप उन सब चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हो। जैसे नेशनल कैरियर सर्विसेज में जो है ट्रेनर है, स्किल सेंटर, ऑडिट, सीमेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपना व्यापार शुरू कर पाओ, ग्रामीण नौकरी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि इस तरीके से आप किसी भी यहाँ पर जो सर्विसेज है उनको आप अपने कस्टमरों को अवेल करा के अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। सबसे बेहतरीन ई स्टोर मतलब आप खुद अपना स्टोर खोल सकते हो। से अगर आपके पास सीएससी है तो आप लोगों के ऑर्डर करवा सकते हो, सीएससी के माध्यम से सामान उनके पास पहुंच जाएगा और आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ई स्टोर्स की। ई स्टोर्स मतलब यानी कि आप अपने कस्टमरों को खुद ही एक बेसिक सुविधाएं दे सकते हो। सीएससी बाजार या इसमें काफ़ी सारी सुविधाएँ आ जाएंगी आपको, सीएससी बाजार, ई व्हीकल्स, गोल्ड रश, लैपटॉप एंड प्रिंटर कॉम्बो। जैसे आप सीएससी बाजार पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीएससी के बाजार है यानी कि जो सीएससी की खुद की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर उनको अलग अलग चीज़ें पर भी खरीदवा सकते हो। जैसे आप सीएससी की टी शर्ट्स, माइक्रो एटीएम, जैसे आप कई बार आपको खुद को माइक्रो एटीएम्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप माइक्रो एटीएम्स पे क्लिक करके उन सबको परचेज करवा सकते हो और इनका पेमेंट ऑनलाइन करके ये चीज़ें आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि अगर यदि आप अपने लिए कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं तो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर सबसे बेहतरीन उपाय है इस चीज़ का। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्लियरेंस, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।